एक दल के प्रभुत्व का दौर अवल कांग्रेस की गठबंधन युक्त प्रकृति। इसके पहले हमने पढ़ा था जो आम चुनाव हुए थे, प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव 1952 से लेके 1967 तक, जो था हर तरफ कांग्रेस का ही बहुमत था, इसके विषय में हमने पढ़ा था। इसी में हम आगे पढ़ेंगे आज की कांग्रेस की जो गठबंधन युक्त प्रकृति। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1985 में हुई और इसके प्रारंभ में उच्च वर्ग के व्यक्ति ही इसके सदस्य थे, इन सब की आस्था ब्रिटिश शासन में और ये ब्रिटिश शासकों के हाथों देश में सुधार चाहते थे कि जो ब्रिटिश सरकार है वह भारत देश का कुछ सुधार करे। ये अपने कार्यों के लिए उदारवादी तरीकों को अपनाते थे, इस कारण इन्हें नरमपंथी भी कहा जाता। नरमपंथ के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आए, जो उदारवादी या नरमपंथी थे। कौन कौन से नेता थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये उदारवादी नेता। सन 1895 के पश्चात कांग्रेस के मध्यम वर्ग के लोग भी सदस्य, जब 1885 में था तब कांग्रेस में उच्च वर्ग के व्यक्ति शामिल हुए थे। फिर लगभग 10 साल के बाद 1895 में जो मध्यम वर्गीय लोग के सदस्य थे वह भी कांग्रेस के में शामिल हुए, जिनकी आस्था अंग्रेजी शासन में नहीं थी। और जो पहले थे सदस्य बने थे उच्च वर्ग के लोग 1885 में, उनकी आस्था अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन में थी। ये भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे, इसके लिए उनको चाहे जो भी करना पड़े, उनकी विचारधारा उग्र थी और वे नरमपंथ के नेताओं के कार्य के तरीकों को पसंद भी नहीं करते थे। और इस विचारधारा के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें बाल लाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, और ये गरम पंथी के नेता थे। तो बाल लाल पाल जो थे ये कौन से थे? ये गरम पंथ के नेता थे। इनको क्या बाल लाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल थे, ये उग्रवादी गरम दल के नेता थे। कांग्रेस की जन आंदोलन बनाने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। महात्मा गांधी ने इसे व्यापक रूप दिया और इसके कारण सभी प्रांतों, धर्म और संप्रदायों में यह लोकप्रिय हो गया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन भी हुए। स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ने भी समाजवादी दिशा दी। गांधी जी की तरह आदर्शवाद होने के कारण जवाहरलाल नेहरू जी की को भी आदर्शवादी, अध्यक्षात्मकवादी भी व्यवहारिकवादी माना जाने लगा। यही कारण भी साझा, कांग्रेस की अपनी एक अलग विचारधारा थी। अब है इसी में आगे कांग्रेस को विभिन्न हितों का संघ कहा जाने लगा। कांग्रेस को विभिन्न या अनेक हितों का संघ कहा जाने लगा क्योंकि इसमें विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले अलग अलग व्यक्तियों का संघ था, लेकिन यह सभी एक ही पार्टी के अंदर काम, पार्टी तो एक ही थी लेकिन उसमें अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों का एक समूह था। इस प्रकार कांग्रेस में सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन गुटों में तालमेल और सहनशीलता की प्रकृति थी, इसे निम्नलिखित बिंदुओं से भी स्पष्ट किया जा सकता।
भी राजनीतिक पार्टी की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस ही व्यवहारिक रूप में एकमात्र राजनीतिक दल था। इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस था। इसकी स्थापना 1885 में हुई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत की संविधान सभा में भी अधिकतर सदस्य इसी दल के। अपनी स्थापना के बाद कुछ वर्षों तक तो यह पढ़े लिखे लोगों का संघ समझा जाता था, लेकिन वार्षिक रूप से इकट्ठे होकर देश की समस्याओं पर विचार करके प्रस्ताव पास करके चले जाते थे। परंतु गर्म गली तत्वों के उभरने और कांग्रेस द्वारा कई जन आंदोलन चलाने जैसे कि असहयोग आंदोलन, साइमन वापस जाओ अभियान, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसे भारतीय समाज के हर वर्ग, चाहे वह निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, हर व्यवसाय, चाहे छोटा व्यवसाय बड़ा व्यवसाय, हर क्षेत्र में हर नगर और गांव का समर्थन था। जो स्वतंत्रता की प्राप्ति तक यह दल छोटे छोटे गांवों में, मैदानी पहाड़ों में, उत्तर से लेकर पूर्व पश्चिम से लेकर सभी भागों में बच्चे और बूढ़ों जवान स्त्री पुरुषों तक यह जनव्यापी आंदोलन। इसके साथ ही विचारात्मक गठबंधन कांग्रेस में शांतिवादी, क्रांतिकारी, रूढ़िवादी और प्रगतिवादी, गरमपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी जो दक्षिण क्षेत्र में थे, वामपंथी, सभी विचारधारा के लोग, सभी वर्गों के लोगों को स्थान प्राप्त किया। कांग्रेस ने समाजवादी समाज की स्थापना को लक्ष्य निश्चित किया और यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद कई समाजवादी पार्टी बनी, किंतु विचारधारा के आधार पर वे अपनी अलग अलग पहचान नहीं बना सके और कांग्रेस के प्रभुत्व को नहीं लग पा सके। यदि देखा जाए तो कांग्रेस एक ऐसा मंच था जिस पर अनेक समूह और राजनीतिक दल तक आ चुके। कांग्रेस में बहुत से ऐसे गुट भी थे जिनके अपने अलग संविधान तक थे और संगठनात्मक ढांचा भी अलग था, जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फिर भी उन्हें कांग्रेस के एक गुट में बनाए रखा गया। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी भी 1942 तक कांग्रेस के एक गुट के रूप में रहकर काम करती थी। फिर आता है कि तालमेल और सहनशील, जैसे जैसे अभी बता कि कांग्रेस में विरोधी सामाजिक हितों और विभिन्न विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त था, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न क्षेत्रों को। इसी तरह से मतभेदों और विरोधी हितों का समायोजन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में कांग्रेस शैली की कुछ विशेषताएं भी है। ये विशेषताएं क्या है कांग्रेस शैली की? प्रथम तो यह है कि विरोधी हितों में भी समायोजन के लिए किसी भी मुद्दे पर अतिरेक स्थिति से बचने का प्रयास किया जाता और सभी मुद्दों पर समझौतों का संतुलन की नीति अपनाई। कांग्रेस ने इसी नीति के आधार पर गठबंधन को मजबूती प्रदान की। और दूसरा, कांग्रेस में विरोधी दृष्टिकोण और हितों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई गई ताकि सभी में समन्वय स्थापित किया जाए और विरोधी हितों को संतुष्ट किया जा सके। कई बार एक प्रमो बंद करें।
कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे कई समूह रहे जो पार्टी के नियमों से सहमत नहीं थे और ऐसे समूहों को गुटों की संख्या दी। कांग्रेस ने ऐसे असंतुष्ट गुटों को भी आश्रय दिया और उनके प्रति सहनशीलता का परिचय दिया। इस सहनशीलता के कारण गुटबंदी का प्रबंध पार्टी के अंदर ही हो जाता है और पार्टी में टूट फूट नहीं हो पाती। गठबंधन के कारण पार्टी में टूट फूट नहीं हो पाती। अब है विपक्षी पार्टियों का उदय। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, पूरे भारत में उसका प्रभुत्व और वर्चस्व था। इसके अतिरिक्त कुछ दल भी थे जो इस प्रकार हैं। पहले है कम्युनिस्ट पार्टी। 1930 के दशक में साम्यवाद का प्रभाव भारतीय राजनीति में दिखता है और ये रूस में क्रांति व लेनिन से प्रभावित है। प्रारंभ में कांग्रेस में रहकर ही इसके नेताओं ने काम किया और सन 1941 में कांग्रेस से अलग हुए और अपनी विचारधारा के अनुसार वे कार्य करने लगे। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट व विजय पाने वाले दल के रूप में इंदू खाती मिली। द्वितीय आम चुनाव जो 1957 में विधानसभा के चुनाव केरल में विधानसभा में कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा सीट मिली और 5 स्वतंत्र उम्मीदवार का समर्थन प्राप्त कर इसने पहली गैर कांग्रेसी सत्ता बना। ईएमएस नंबूदरी पार्टी के मुख्यमंत्री। विश्व में यह पहला अवसर था जब लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और 1959 में केंद्रीय कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया और यह कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने का फैसला सबसे बड़ा विवाद वाला साबित हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के प्रथम उदाहरण के रूप में इसे देखा जाता है। सन 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया और इसके दो भाग हो गए। प्रथम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सोवियत संघ और लेनिन की विचारधारा से प्रभावित थे। इसके प्रमुख नेता थे एस एडम, ई एम एस नंबूदरी पाद तथा पी सी जोशी। और जो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी जो मार्क्सवादी कि ये मार्क्सवाद से प्रभावित थे और इसके प्रमुख नेता थे ए के गोपालन, अजय घोष और पी सुंदरैया इसके प्रमुख नेता थे। अब हम इसी में आगे देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी। आजादी से पहले जब कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर युवा समूह सन 1934 में इसको बनाया था। सन 1947 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदला जिसके अनुसार कोई भी सदस्य एक साथ दो पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता था। इस कारण कांग्रेस के समाजवादियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव आदि समाजवादियों ने 1948 में समाजवादी की स्थापना अलग से कर दी। समाजवादियों की विचारधारा कांग्रेस तथा साम्यवादी कम्युनिस्ट दोनों अलग से थी। साम्यवादियों की विचारधारा लोकतांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के कई भाग हुए, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी प्रमुख थी।
वर्तमान पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जनता दल और जनता दल सेक्युलर पर सोशलिस्ट पार्टी की झलक दिखाई। अब है समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर। तो समाजवादी पार्टी का लक्ष्य लोकतांत्रिक समाजवाद करना और कम्युनिस्ट पार्टी का क्रांतिकारी समाजवाद। जहां तक एक और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की कमी आलोचना करती थी, तो वही दूसरी और कम्युनिस्ट पार्टी इस आलोचना से बचती नजर आती थी। अब है भारतीय जनसंघ। तो जनसंघ की स्थापना कब हुई? 1991 में हुई और इसकी स्थापना करी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दो स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्थापित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व हिंदू महासभा की जन्मदात्री संस्था थी। जनसंघ की विचारधारा अन्य दलों की तुलना में क्या थी? अलग थी। इसने भारत में एक देश एक संस्कृति और एक अलग राष्ट्रीय विचार पर जोर दिया। भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत और हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सर्वोच्च थी, जिसमें धार्मिक व सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा दी जा रही रियायत। 1952 के आम चुनाव में लोकसभा की 3 सीटें, 1957 में आम चुनाव में 4 सीटों पर इसने विजय हासिल। 1964 के चुनाव में इनकी सीटों में वृद्धि हुई, इन्होंने 14 सीटों पर अपनी जीत हासिल करी और प्रारंभ में इनको हिंदी भाषी राज्यों में सफलता मिली। जनसंघ के प्रमुख नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मगो प्रमुख थे। फिर स्वतंत्र पार्टी जो 1959 में कांग्रेस पार्टी ने नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खयान का व्यापार, राज्य द्वारा अपने हाथ में लेने और सरकारी कृषि का प्रस्ताव पारित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी, पीनू मोदी आदि कांग्रेसी नेताओं ने इससे रुष्ट होकर अलग से स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर दी। अब स्वतंत्र पार्टी का मुख्य लक्ष्य था आर्थिक गतिविधियों में राज्य का नियंत्रण कम करना और अर्थव्यवस्था को मुक्त करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाना था। स्वतंत्र पार्टी ने अर्थव्यवस्था में जो राजकीय हस्तक्षेप था, केंद्रीकृत नियोजन और सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना। यह दल खुद निरपेक्षता और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते को गलत मानती थी। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से नजदीकी संबंध बनाने के लिए वकालत, उद्योगपति और व्यवसायी लोग राष्ट्रीयकरण आर लाइसेंस नीति के खिलाफ थे। भूमि सुधार कानूनों से जमींदार और राजाओं को नुकसान हो रहा था, इसलिए इन दोनों वर्गों ने स्वतंत्र पार्टी का पक्ष लिया। इनको इस पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी थी और सामाजिक आधार न होना इस पार्टी की कमी थी। इस कारण से यह पार्टी अपने संगठन को खड़ा नहीं कर पाई। अब इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि 1952 से लेकर 1967 तक की जो समय था, उसमें भारत की राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व बहुमत तो था, लेकिन इस समय की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के बीच मतभेदों के बावजूद आपसी सद्भाव का वातावरण। लोकसभा में बहस
वाद विवाद का